अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने CAA, NRC और NPR के विरोध में बिल्कुल हटकर प्रदर्शन किया है। दरअसल छात्रों ने प्रतीकात्मक डिटेंशन सेंटर बनाकर खुद को जेल के अंदर बंद दिखाकर ये विरोध जताया है। तो छात्रों का कहना है कि हम लोगों को सरकार दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। एक अनोखा तरीका है विरोध प्रदर्शन का। ये हमने एक दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि बाबे सैयद के अंदर बिल्कुल घुसते ही सबसे पहले दाएं हाथ पे डिटेंशन सेंटर में इसलिए डाला गया कि सबसे पहली सीढ़ी अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, आप लोग यूनाइट होकर के नहीं लड़े इस काले कानून के खिलाफ, तो यही सबसे पहला घर होगा जिसको अमित शाह ने प्लान किया है, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्लान किया है। क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाना है। उन्होंने ये तय कर लिया था कि पूरे हिंदुस्तान को आपस में हिंदू मुस्लिम करा देना है। उन्होंने तय कर लिया था कि बाकायदा ये नफरत की राजनीति पे दम पे जिस तरह उन्होंने 2014 में आए, वो ऐसे करते करते वो एक तरफ नफरत इतना ज़्यादा बो देंगे कि फिर से बंटवारे का नौबत आ जाएगी। जो ये डिटेंशन सेंटर हमने बनाया है, हम इससे ये दिखाना चाहते हैं कि आप देख लिए कि आसाम में इन लोगों ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं है, लोग सही से रह नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये रही कि इतने लोग अगर डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो उन लोगों के मेडिकल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा वो कैसे गवर्नमेंट उठाएगी। हमारी गवर्नमेंट की खुद हालत इतनी खस्ता है, इकोनॉमिक डाउन है बिल्कुल ही, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को NRC और NPR और ये CAA की ये जो कानून लेके आ रहे हैं, इससे इन्हें हटाना चाहिए, इस चीज़ को, और ज़िद पे से हटना चाहिए इन लोगों को।